हे गाइस व्हाट्सएप, आई एम अनुज एडिट एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो आपको यही बताऊंगा कि वन क्लिक में फोटो एडिट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ सिंपल से कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट जाकर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर चले आना है। स्क्रीन पर आने के बाद आपको यहाँ से प्ले स्टोर पर चले आना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको 3D लेटर लिख के सर्च कर देना है। एंड सर्च करने के बाद कुछ आपको कुछ तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा था। एंड आपको यहां से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। मैं इस एप्लीकेशन को पहले से इंस्टॉल करके रखा हूं, तो सिंपल से यहां से मैं ओपन पर क्लिक कर दूंगा। एंड ओपन पर क्लिक करने के बाद आपको दो तरह के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ओपन गैलरी एंड टेक शॉट। तो सिंपल से यहां से आपको ओपन गैलरी पर क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ से अपनी कोई फोटोज को चूज़ कर लेना है। एंड फोटोज को चूज़ करने के बाद उसमें कुछ सेटिंग्स कर देना है, जैसे यहाँ से ब्राइटनेस को हल्का सा इंक्रीज कर लूँगा एंड कॉन्ट्रास्ट को भी हल्का सा इंक्रीज कर लूँगा एंड वाइट बैलेंस को हल्का सा डिक्रीज कर दूँगा। कंटेंट को भी हल्का सा मैं डिक्रीज कर दूँगा एंड सेचुरेशन को हल्का सा इंक्रीज कर लूँगा। एंड सुपर से आपको फिर यहाँ से टेक्सचर्स पर चले जाना है। टेक्सचर्स पर जाने के बाद हल्का सा उसे इंक्रीज कर देना है एंड नॉइस को हल्का सा इंक्रीज कर लेना है। याद रहे ये सब आपको अपनी फ़ोटोज़ के अकॉर्डिंग कर देना है। एंड ये सब करने के बाद आपको यहाँ से ये आपको बीच वाले ऑप्शन लेट वाले ऑप्शन पर चले जाना है। लेट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको ढेर सारे इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे यहाँ, जो आप अपनी फ़ोटो पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल से यहाँ से मैं आपको टॉप 50 वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे इफेक्ट जो है आ चुके हैं, जिसे आप अपनी फ़ोटो पर लगाकर अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल से मैं यहाँ से अपनी फ़ोटोज़ पर ESC18 लगाकर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप सब देख ऐड से हल्का सा उसमें कुछ चेंजिंग करके देख सकता हूँ कि क्या हमारे लिए फ़ोटो के लिए क्या सही रहेगा। सिंपल से मैं इसे कर लेता हूँ। एंड करने के बाद मैं इसे यहाँ से डन कर लेता हूँ। एंड डन करने के बाद इसे मैं यहाँ से सेव टू गैलरी पर क्लिक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारी फ़ोटो जो है वो सेव हो रही है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें।